नागदा के ग्रैसिम खेल परिसर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी हर्षोल्लास से मनाया गया। यहां रावण दहन भी किया गया। राजस्थान के नवयुवक मंडल के द्वारा ग्रैसिम खेल परिसर में 51 फीट रावण का दहन किया गया। इसके पूर्व भगवान राम, हनुमान, लक्ष्मण की पूजा की गई। इस अवसर पर नागदा खाचरौत के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, नागदा अनुविभाग के SDM, CSP और नगर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही नागदा क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर रावण दहन आयोजन में हिस्सा लिया। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन की ओर से यहां बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात किया गया था। लोगों ने विजयदशमी पर रावण दहन के बाद एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देकर इस त्योहार को मनाया। मंडल विगत 20-21 वर्षों से ये विशालतम कार्यक्रम ग्रेसिम खेल परिसर में संपन्न होता है। इसमें नगर पालिका नागदा, ग्रेसिम उद्योग समूह, हमारे नगर पालिका के सारे कर्मचारी भाई, हमारे उद्योग समूह के कुछ कर्मचारी भाई, और ये दशहरा हमारे लिए इसलिए अद्भुत था क्योंकि इस दशहरे के पहले किसी के कान की झुमकी राम जी का गिरी हुई मिली है, किसी के बहुत सामने हुआ था, और इसलिए किसी के कान की झुमकी है। ये उत्सव को हमने किसी की हो तो ले ले अद्भुत तरीके से मनाया। साउंड वाले भैया, 70 फुट का हमारा रावण था। मैं यहाँ पे हजारों हजार जो धर्म प्रेमी जनता पधारी है, मीडिया के माध्यम से मैं उनको नवरात्रि विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि आप सब लोगों का अपार सहयोग हमें मिलता है, मीडिया के बंदों का सबका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।